नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने शनिवार को राजनीति को अलविदा कह दिया है। बाबुल सुप्रियो के बीजेपी छोड़ने को लेकर अटकलें लग रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने टीएमसी और मुकुल रॉय को ट्विटर पर फॉलो किया था। बाबुल ने राजनीति को छोड़ने का ऐलान फेसबुक पोस्ट लिखकर किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि वह किसी और पार्टी में नहीं जा रहे हैं, ना तो टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम, कहीं नहीं। बाबुल ने लिखा है कि आप राजनीति में आए बिना भी सामाजिक कार्य कर सकते हैं। जाने माने गायक बाबुल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उन्हें प्रेरित करने के लिए आभार जताया। बाबुल सुप्रियो ने राजनीति छोड़ने को लेकर कहा कि यह सवाल उठेगा कि मैंने राजनीति क्यों छोड़ी, क्या इसका कोई संबंध मेरे मंत्री पद के जाने से है? हाँ, है, कुछ हद तक संबंध है। उन्होंने लिखा कि उन्होंने इस बारे में अपने परिवार और कुछ दोस्तों से बात की और फिर फैसला किया कि राजनीति को छोड़ने का वक्त आ गया है। बता दें, इस बार के मंत्रिमंडल फेरबदल में बाबुल सुप्रियो को मंत्री पद से हटा दिया गया था। सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। शनिवार को दिल्ली में बुलाई गई पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचे। अभी तक आरसीपी सिंह पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद उन्हें यह पद छोड़ना पड़ा है, क्योंकि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लागू किया गया है। ललन सिंह को नीतीश कुमार का बेहद भरोसेमंद माना जाता है। ललन सिंह लंबे वक्त से पार्टी से जुड़े हैं और पार्टी को खड़ा करने में उनका बड़ा योगदान माना जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, वकीलों और अकादमिक जगत से जुड़े कई लोगों को राज्य का शत्रु यानी एनिमी ऑफ स्टेट घोषित कर रखा है और उन्हें केंद्रीय युद्ध पुस्तिका यानी यूनियन वॉर बुक में शामिल कर लिया है। उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है और सामान्य अपराधियों की तरह उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। यह पूरा काम केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर किया जा रहा है, लेकिन राज्य गृह मंत्रालय को यह अधिकार है कि वह सूची में नए नाम जोड़े और उनकी प्रोफाइलिंग करे। द वायर के अनुसार महाराष्ट्र पुलिस ने भीमा कोरेगांव मामले में बंद यलगार परिषद के कई लोगों को इस सूची में डाल रखा है और उनकी प्रोफाइलिंग की है। उसने यलगार परिषद के सुरेंद्र गाडलिंग और शोमा सेन के अलावा वकील निहाल सिंह राठौड़, सुरेंद्र गाडगिल की पत्नी मीनल गाडलिंग समेत 53 लोगों को निशाना बनाया है। यूनियन वॉर बुक की कैटेगरी सी में इन लोगों के नाम हैं और कहा गया है कि जब तक जरूरत होगी इन पर निगरानी रखी जाएगी। देश में महंगाई से बुरा हाल है, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने इसके लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस देश की आज़ादी के बाद अर्थव्यवस्था को कुठाराघात करके महंगाई बढ़ाने का श्रेय किसी को जाता है तो वह नेहरू परिवार को जाता है। सारंग ने कहा कि महंगाई एक दो दिन में नहीं बढ़ती है और अर्थव्यवस्था की नींव एक दो दिन में नहीं रखी जाती है। 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। असम मिजोरम सीमा पर दोनों राज्यों के बीच झड़पों के बाद केंद्रीय बलों की तैनाती से शांति बनी हुई है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप नहीं थमा है और जुबानी जंग तेज हो चुकी है। असम स्थित कछार जिले की उपायुक्त कीर्ति जल्ली ने मिजोरम सरकार पर आरोप लगाया है कि वह आम नागरिकों के बीच हथियार बांट रही हैं और इसमें कुछ पूर्व चरमपंथी भी शामिल हैं। उन्होंने मिजोरम से सटे इलाकों का सर्वेक्षण करने के बाद ये कहा है। उन्होंने टाइम्स नाउ से कहा कि हमें जानकारी मिली है कि मिजोरम सरकार आम नागरिकों को हथियार और गोला बारूद से लैस कर रही है। इनमें से कई पहले के चरमपंथी हैं, इसलिए वे प्रशिक्षित हैं। वे आक्रामक ढंग से हमारी ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। असम पुलिस ने मिजोरम से सटी सीमा पर पुलिस चौकियां स्थापित करनी शुरू कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ऐसा किया जा रहा है। उपायुक्त ने मिजोरम पर घुसपैठ का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके लोगों ने असम की सीमा के अंदर जंगल में कैंप बना लिए हैं। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि सीमा पर असम के जंगलों को बेवजह बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा, यह बांग्लादेश तक हो रहा है, हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हमारे मवेशी बचे रहें, हमारे जंगल सही सलामत रहें और हमारे लोग सुरक्षित रहें। दिल्ली के कमिश्नर बनाए गए राकेश अस्थाना के मामले में अब एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की है। द टेलीग्राफ के अनुसार याचिका में कहा गया है कि पीएम मोदी और गृहमंत्री ने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया है कि किसी भी अधिकारी को डीजीपी तभी बनाया जाए अगर उसके रिटायरमेंट में कम से कम 6 महीने बाकी हों। हालांकि पीएम मोदी के करीबी अस्थाना को रिटायरमेंट के 3 दिन पहले दिल्ली का कमिश्नर बनाया गया।
मध्य प्रदेश के डॉक्टर हरि सिंह गौर वीवी ने एक वेबिनार से अपना नाम सिर्फ इसलिए वापस ले लिया क्योंकि आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी ने इसमें शामिल कुछ वक्ताओं का पुरजोर विरोध किया था। वेबिनार का विषय वैज्ञानिक प्रवृत्ति की उपलब्धि में संस्कृति और भाषाई बाधाएं था और इसका आयोजन 30 और 31 जुलाई को होना था। पुलिस ने भी वेबिनार के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय को चेताया था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सागर जिले के पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने विश्वविद्यालय के कुलपति को वेबिनार के आयोजन को लेकर पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा था कि उन्हें वेबिनार में शामिल होने वाले प्रवक्ताओं के बीते हुए इतिहास के संदर्भों पर राष्ट्र विरोधी मानसिकता और जाति आधारित बयानों के बारे में सूचना मिली है। उन्होंने कहा था कि वेबिनार में जिन विषयों पर चर्चा की जानी है उन पर पहले ही समझौता कर लिया जाना चाहिए। एसपी ने चेताया था कि अगर इस वेबिनार की वजह से धार्मिक और जातीय भावनाएं आहत होती हैं तो आईपीसी की धारा 505 के तहत इस मामले में कार्रवाई की जा सकती है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। परमवीर सिंह के खिलाफ आए दिन जबरन वसूली और धमकी देने के मामले दर्ज हो रहे हैं। अब परमवीर और उनके करीबी पुलिस वालों पर ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में जबरन वसूली और धमकी देने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में 28 लोगों के नाम हैं। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उनमें परमवीर सिंह के अलावा अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी, एक डीसीपी और एक एसीपी का भी नाम शामिल है। पिछले एक हफ्ते में परमवीर सिंह के खिलाफ हफ्ता वसूली का ये दूसरा मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शौचालयों की बेहद खराब हालत को लेकर महिला टीचरों के एसोसिएशन ने हर महीने 3 दिन पीरियड लीव यानी माहवारी के वक्त के लिए छुट्टी की मांग की है। संगठन का कहना है कि राज्य में सरकारी स्कूलों में शौचालयों की हालत बहुत ही खराब है, इसलिए उनको माहवारी के वक्त छुट्टी दी जाए। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुलोचना मौर्य का कहना है कि अधिकतर स्कूलों में टीचरों को 200 से 400 बच्चों के साथ टॉयलेट साझा करना पड़ता है। सरकारी स्कूलों में सफाई भी नहीं होती है जिसके कारण महिला टीचरों को संक्रमण से जूझना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई बार तो महिला टीचरों के पास दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वे गंदे वॉशरूम इस्तेमाल करें या फिर खेतों में जाएं। टोक्यो ओलंपिक में भारत को एक और झटका लगा है। आज भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु विश्व की नंबर एक चीनी खिलाड़ी ताई जुंग इंग के हाथों हार गई हैं। इसके साथ ही सिंधु का ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का सपना भी टूट गया है। इसके बाद अब सिंधु कांस्य पदक के लिए चीन की ही बिंग जियाऊ से भिड़ेंगी। भारत की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हरा दिया है। भारत की ओर से वंदना कटारिया ने 3 गोल दागकर जीत में अहम भूमिका निभाई। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एक और पदक की उम्मीद कमलप्रीत कौर ने जगा दी है। उन्होंने डिस्कस थ्रो इवेंट में इतिहास रचते हुए फाइनल में जगह बना ली है। ग्रुप बी के क्वालिफिकेशन राउंड में अपने तीसरे प्रयास में कमलप्रीत कौर 64 मीटर का स्कोर करने के बाद मेडल की दावेदार बन गई हैं। अब उम्मीद फाइनल में उनके प्रदर्शन पर होगी। अगर वो फाइनल में उम्मीद के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन करती हैं तो भारत के लिए एक और पदक पक्का है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।